पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ऐसी मनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, हम सब एकत्रित होते हैं एक सकारात्मक सोच के साथ, अपने भी बेहतर बने और समाज को भी बेहतर बनाए। अपने मिशन का नाम विचार क्रांति अभियान है। विचारों से विचारों को परिवर्तित करेंगे। देश दुनिया में बहुत सारी आप लोगों ने क्रांति पढ़ी, किसी में लाठी चले, डंडे चले, खून बहे, लेकिन गुरुदेव के मन में भाव आया कि एक ऐसा अभियान, एक ऐसा क्रांति जिसमें विचारों से विचारों को बदला जाए, अच्छे विचारों से बुरे विचारों को काटने की क्रांति। आज मनुष्य विकास तो हर तरफ कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में देखिए कहां चला गया। घर बैठे आप लंदन, अमेरिका, जहां मन वीडियो कॉलिंग हाय हु कर रहे हैं, जब मन चेहरा देख रहे हैं, जहां से मन, जिससे मन मिलने जाना है, तुरंत हवाई जहाज पर बैठ के सफर कर रहे हैं। विज्ञान ने न जाने कितनी तरक्की की और कितने सारे चीजों को दिया, लेकिन क्या ये विज्ञान एक अच्छा भाई दे पाया इस धरती पर? क्या इस विज्ञान में ताकत है कि एक अच्छी माँ दे दे, एक अच्छा पिता दे दे, एक अच्छा भाई दे दे, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छा नागरिक दे दे? ये विज्ञान के पास संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी दे देगा, पंखा दे देगा, बस दे देगा, हवाई जहाज, कैमरा, सब कुछ दे देगा, लेकिन मनुष्य के अंदर मनुष्यता कहां से आएगा? यह विज्ञान के पास ताकत नहीं है। तो इसी चीज के लिए अध्यात्म विज्ञान की जरूरत पड़ती है। वहां विज्ञान आपका काम नहीं आता है। सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है अभी, सब लोग देखे भी होइएगा, सुने भी होइएगा, आप ही के बिहार के रिटायर्ड आईजी की बेटी कल किसी जिला पदाधिकारी से शादी होने वाला था, 14 ताला से उछल के जान दे दी कि क्या हुआ भगवान जाने, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। भाई, डीएम से शादी होने जा रहा है, ऑलरेडी आप आईजी की बेटी हैं, क्या कारण रहा होगा? विज्ञान को बचा लेना चाहिए, नहीं बचा सकता है मेरे मित्र। ऐसी सब घटनाओं को सुनने के बाद लगता है कि इंसान के पास धन कम रहे लेकिन अध्यात्म का पूंजी अधिक रहे, क्योंकि अध्यात्म की पूंजी ही आपको विकट परिस्थितियों में धैर्य रखने की कला सिखाता है, विकट परिस्थितियों में लड़ने की मद्दा पैदा करता है। क्या यह वही राष्ट्र है जहां एक छत के नीचे, एक घर में, फूस की झोपड़ियों में हमारे पूर्वजों ने समय बिताया और बहुत तरह की उथल पुथल नहीं थी? आज छत का मकान बना हुआ है, प्यार समाप्त हो गया है। बड़े बड़े बिल्डिंग तो खड़ा कर दिया विज्ञान ने, लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाले के अंदर की मानवता को मार दिया। ये मानवता को जागृत करने का काम युवा प्रकोष्ठ करता है। मेरे मित्र, नेट और इंटरनेट की दुनिया में आप अपने आप को इन्वॉल्व तो रखते हो, लेकिन जब कहीं एग्जाम देने जाते हो और देने के बाद लौट के आते हो, अगर पेपर बढ़िया नहीं गया तो मायूस हो जाते हो। उससे भी बड़ा बात होता है जब कान में सुनाई दिया एग्जाम देने के बाद पेपर लीक हो गया था और मायूस हो जाते हो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मेरे मित्र, कई बार हमने बताया पेपर लीक है, प्रतिभा अगर मजबूत है तो पेपर लीकेज कुछ नहीं कर सकता है। अपने ही कंकड़बाग के एक भाई धर्मराज कुमार जी सुबह आए थे, उनका बिहार एसएससी में कर्मचारी चयन आयोग में इंजीनियरिंग सेक्शन इंजीनियर में चयन हुआ। हमको लगता है कि टोटल 800 समथिंग पद थे। धर्मराज कुमार, इनका चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जूनियर इंजीनियर के पद पर हुआ। मेधा में सिविल में क्रमांक 14 है, यानी जितने रिजल्ट आए हैं उसमें 14वां रैंक है इनका। मेरे लिए जल संसाधन विभाग अलॉट हुआ है। इन्होंने लिखा है कि मैं समयदान बाल संस्कार शाला कंकड़बाग में किया, उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग का काम शुरू किया, यानी युवा प्रकोष्ठ की रिपोर्टिंग होती है वो काम। मेरे मित्र, वो आदमी के लिए भी तो पेपर लीक हुआ होगा कि स्पेशल एग्जाम हुआ था।
फिर भी लगातार मेहनत करने वालों की जीत होती है, और लगातार मेहनत वही वह कर सकता है जिसके जीवन में अध्यात्म का समावेश है, जिसके अंदर 20 मिनट बैठ के साधना करने की क्षमता है। आज का कहने वाला नौजवान, तथा कथित नौजवान, घंटों समय व्यतीत करता है मोबाइल पर, नेट की दुनिया पर, क्रिकेट की दुनिया में, जाके सिनेमा हॉल में, लेकिन इससे कहो कि 20 मिनट बैठ के अपने जीवन के लिए साधना आराधना करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने अंदर की निगेटिविटी को समाप्त करना है, अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, न जाने कौन सा दुनिया का इसको बीमारी लग जाती है, किस विभाग का कुत्ता काट लेता है, कौन से डिपार्टमेंट का घुन इसके अंदर समा जाता है। सब तो ठीक है, 20 मिनट ध्यान नहीं होता, क्यों? ध्यान करते थे ना, दोस्तवा आके कह दिया बाबा बनोगे क्या? अरे दोस्त कह दिया बाबा बनोगे क्या? ध्यान करना छोड़ दिए हैं। आ दोस्तवा शेयर इट से मोबाइल में जो दिया वो तुमको क्या बनाया? कभी उस पर विचार किए कि दोस्त द्वारा जो मोबाइल पर आदान प्रदान हुआ वो क्या बनाएगा आपको? वो किस गर्त में गिराएगा? लाइव चल रहा है नहीं तो वो भी नाम बता देते। सुपरलेटिव डिग्री के नपुंसक बनाएगा आपको। उसमें तो कभी आपको दुख नहीं हुआ। कुछ भाई ये कहते हुए पाए जाते हैं, भैया गांव गए थे, ध्यान कर रहे थे, पापा देख लिए, पापा पूछे तुमको पढ़ने के लिए ना भेजे थे, ये सब क्या करते हो? अब पापा पूछ दिए बेटा छोड़ दिए। बेटा से हम पूछना चाहते हैं, पापा को मालूम है कि रूम बंद करके बाथरूम बंद करके आप क्या करते हैं? पापा डायरेक्ट तो पूछ दिए, लेकिन उनको ये पता है कि हमारे बेटा के मन में उथल पुथल कितना मचता है। तो छुप के यार कुकर्म करते हो, और हर दिन लगभग करते हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपसे वंचित रह जाए। रास्ते चलते लड़कियों पर फप्तियां कसने से लेके क्लास में टीचर बोर्ड पर पढ़ाता है ये तिरछे देखता है, रूम बाथरूम सब घिना दिया, उसके बावजूद पापा कह दिए ट्रैकलेस हो गए, और ये कहता है हम नौजवान हैं। तो सामने देखिए वो पेंडुलम हिल रहा है घड़ी का, दिन भर हिलता है, रात भर हिलता है, लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। कहीं चेक कर लीजिएगा वहीं आपकी स्थिति नहीं ना? उस पेंडुलम की भांति कोचिंग से रूम, रूम से बाथरूम, बाथरूम से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से बैग, बैग से झोला, झोला से कॉपी, कॉपी से किताब, किताब से कलम। आप 5-7 साल, 8 साल, 10 साल पटना में यही करते रहे। डिस्टेंस तो आपने तय किया, डिस्प्लेसमेंट 0। आए थे बेरोजगार, लौट गए बेरोजगार। तब पापा से पूछिएगा, पापा आप तो ध्यान मना किए थे, हम छोड़ दिए थे, हमारा नौकरी काहे नहीं हुआ? तब पापा लाठी उठा के हिसाब देंगे, काहे नहीं हुआ। मेरे मित्र, दुनिया में छुप के कुकर्म जैसे कर लेते हो, माफ करना, अगर कोई रोकता है टोकता है, छुप के सत्कर्म करने की मद्दा तुम्हारे अंदर क्यों नहीं जगती है? तू अगर रियल में मर्द होता तो छुप के कुकर्म हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, तू छुप के सत्कर्म करता और अपने आप को इतना ताकतवर बनाता कि जो चाहे जैसे चाहे अपने बूते तुम प्राप्त कर सकते हो, और इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, यही जिंदगी को ताकतवर बनाता है। कई सारे लोग अध्यात्म का मतलब भीख मांगना समझ लिए हैं, मंदिर के सामने जाएंगे, भगवान के सामने हाथ पसार के भीख मांगेंगे, यही अध्यात्म है। हे भोले बाबा ये करा दीजिए, हे साईं बाबा ये करा दीजिए, हे गायत्री माता। मेरे मित्र, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। बहुत बड़ा राजा थे, वो राजा सुबह उठ के बहुत सारे लोगों को दान देते थे, बैठ जाते थे और भिखारी लोग आते थे, कुछ कुछ भीख मांगते थे, जो बन पड़ता था राजा उनको दान देते थे। एक दिन राजा के बेटा को मन में आया, क्यों ना चलते हैं और लाइन में लग के कुछ हम भी राजा जी से ले लेते हैं। मन में आया कि घर में तो सब कुछ भरा पड़ा है, मिलता है, लेकिन कुछ ऊपर से पैसा मिल जाता तो अपने दोस्त के बीच में मस्ती करते, चलो मांगते हैं, यहाँ जितने धरती पर बैठे हैं, आए हैं, सामने बैठे हैं, या आपके हमारे घर में हैं,
ये सब परमात्मा के संतान है, परमात्मा जो इस ब्रह्मांड का राजा है और उसके हम सब संतान है। हर काम में कहते हैं ना, आप हो हम हो, जो थोड़ा सा आस्तिक है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान मालिक है, भगवान के हम लोग संतान है, यानी राजा के संतान है। सब सुबह अगले दिन भिखारी सब लाइन में लगा, उसी में बेटा भी लाइन में लग गया, लाइन में लगा, राजा सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि बेटा आ गया तो बेटा को बहुत कुछ दे दे, भिखारी वाली स्थिति में ही सबको दो दो रुपया दे रहे थे, बेटा भी आया तो दो रुपया दिए और दिए। जैसे ही देखे कि मेरा बेटा आया है, सिर झुका लिए, अंदर ही अंदर काफी आत्मगलानी हुआ, फिर भी उनको देना था, देते गए। देने के बाद महल में जाके बेचारे एक कोठरी में जाके पड़ गए। पत्नी जाती है, रानी जाती है, क्या बात हुआ, आ जाए नहीं, ऐसे वैसे, मुझसे बात मत करो। पूछती है, पूछते हैं क्यों भाई, पूछती है पत्नी, क्यों क्या हुआ ऐसा है? नहीं, पूछो अपने बेटा से क्या किया है। बेटा भी पीछे से दौड़ के आया, कहा कुछ नहीं किए हैं, बस मेरा भी मन था कुछ पैसा मांगने का, रास्ते में जो लोग लाइन लगते हैं उन्हीं के लाइन में मैं चला गया और जाके दो रुपया मांग के लाया। उसी पर माँ भी चिल्लाने लगी कि तुमको मांगना था तो हमसे मांगता, घर में आते पापा पापा से मांगता। तो कहा कि मुझे भी इस बात का दुख है कि सब लोगों को दो रुपया दे रहे थे, हम तो आपके बेटा थे, हमको तो अधिक आप दे सकते थे, आप क्या सोचते हैं कि केवल आप ही को गुस्सा आता है, मुझे भी इस बात का गुस्सा है कि भिखारियों की तरह हमको दो रुपया दिए हैं। तब राजा ने जवाब दिया कि बेटे, भिखारी की लाइन में अगर तुम भी लग के आओगे, भीख मांगने के इरादा से तुम आओगे, तो हमारे लिए सारे जनता है और सबको सम्मान देंगे, और जैसे मैंने उन भिखारियों को दिया, उन गरीबों को दिया, उन असहायों को दिया, वैसे ही तुम्हें देंगे। तू राजा के बेटे की तरह आता तो मैं बेटा की तरह देता, तू भिखारी की तरह आया था तुम्हें भिखारी की तरह ही मिलेगा। हमारी आपकी भी हैसियत वही है, हम भी जाके उसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हैं, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, तो आपको भी उतना ही मिलता है जितना मिलना चाहिए। आप बेटे की हैसियत से मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए जाके परमात्मा के सामने अपनी हाजिरी लगाओ और देखो जितना तुम्हारी प्रतिभा है उससे कई गुना अधिक परमात्मा आपकी झोली में डालते हैं कि नहीं डालते हैं। मेरे मित्र, जब तक भिखारियों की तरह, दारिद्रों की तरह गिड़गिड़ाते रहे, विवेकानंद मैं बीए पास हूं, मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, कभी विवेकानंद की झोली में नौकरी नहीं आई। और जिस दिन राजा के बेटे के रूप में विवेकानंद ने अपने प्रतिभा का सदुपयोग किया, नरेंद्र विवेकानंद बन गए और पूरी दुनिया विवेकानंद को जानने लगी। अपने आप को पहचानना होता है और अपने आप को पहचानने की कला ही भारत का अध्यात्म है। ये यहां बैठाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जब 20 मिनट का नियमितता पूर्वक ध्यान करिएगा, इस ध्यान के माध्यम से आपके अंदर का कचरा समाप्त होता है, बुराइयां समाप्त होती है, दुर्बुद्धि समाप्त होता है, कुविचार नष्ट होते हैं, गंदे विचार समाप्त होते हैं, अच्छे चीज आपके अंदर समाहित होते चले जाते हैं। मेरे मित्र, कई बार मैंने उदाहरण दिया है कि एक ग्लास में पानी में कोई रंग डाल दो, शीशे का ग्लास लो, लाल हरा पीला नीला कोई रंग उसमें डाल दो और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर से साफ पानी डालने लगो, कुछ देर के बाद आप पाएंगे कि वो जिस कलर का पानी था वो समाप्त हो गया और ग्लास में साफ पानी बच गया। हमारे आपके अंदर भी वही है, घर से निकलने से लेकर रात के सोने तक न जाने कितने निगेटिव चीजों का अटैक होता है और धीरे धीरे हम निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। 20 मिनट नियमितता पूर्वक अगर आप डालते हैं डेली गायत्री मंत्र के साथ सूर्य का ध्यान, आप पाइएगा कि आपके अंदर का कचरा समाप्त हो गया, निगेटिविटी समाप्त हो गई और वो गिलास जैसे लाल पानी से भरा था पूरी साफ पानी हो गया। हमारे मस्तिष्क में जो निगेटिविटी थी वो समाप्त हो गई और सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ने लगे। मेरे मित्र, भारत का अध्यात्म मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करने की कला सिखाता है, वरना आज डिनर सेट से लेके मोबाइल सेट और बड़े बड़े टीवी सेट से लेके सोफा सेट घर में लगे हैं, लेकिन लगभग लोगों का माइंड अपसेट होकर बैठा है, सारे सेटों का अंबार लगा है, माइंड अपसेट बनकर बैठा है और वो सोचता है मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। मेरे मित्र, दुनिया का कितना भी जटिल लक्ष्य क्यों ना हो,
लेकिन अगर सकारात्मक सोच के साथ सार्थक प्रयास किया गया तो असंभव को संभव कर देता है। और इसी का उदाहरण देखिए, आप ही के राज्य के दशरथ मांझी, असंभव चीज था, सकारात्मक सोच थी, आत्मविश्वास था। और यह आत्मविश्वास आता कहां से है? जब परमात्मा पर मनुष्य विश्वास करना शुरू करता है तो आध्यात्मिकता की शुरुआत उसके जीवन में होती है और वहीं से आत्मविश्वास का जागरण होता है। मेरे मित्र, आप देखिए उस दशरथ मांझी जी को जो छेनी और हथौड़ी से काट के पहाड़ को रास्ता बना दिया। कई सारे भाई इसमें गया के बैठे होंगे, सुने भी होंगे, जाके गांव भी देखे होंगे। माउंटेन मैन का गांव है दशरथ मांझी का, यहां 9 बजे चद्दर तान के सोते होंगे। भुला गए कि दशरथ मांझी पहाड़ काट के रास्ता बनाए थे? भूल गए कि मेहनत करके सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने मुकाम हासिल किया? हमें भी करना चाहिए। लेकिन पटना में आने के बाद हवा निकल गया, उनका टायर पंचर हो गया, 12 गो रोटी खा के चैन से कम्बल में नींद ले रहे हैं, बिदर वीडियो देख रहे हैं। पूछिए उनसे, क्या हो गया भैया, आपका विज्ञान काहे नहीं आपको जगा दे रहा है? आपका विज्ञान ये दर्शन क्यों नहीं करा रहा है कि आपके मां बाप गरीबी में रोटी के अभाव में तड़प रहे हैं? आपका विज्ञान ये दर्शन क्यों नहीं करा रहा है कि समय से पिताजी को दवा नहीं मिल रही है, मां को चैन की रोटी नहीं मिल रही है? बेटा तुम पढ़ने आए हो, ये कम्बल के अंदर वीडियो देखने नहीं आए हो? कहां चला जाता है उस समय मेरे देश के विज्ञान पर गर्व करने वाले नौजवानों की वाणी? कहां